वालेकुम। आज हम शाही मसाला गोभी बनाने जा रहे हैं और उसका ये सब मसाला है। ये 1 किलो गोभी है, ये हमने इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। और 250 ग्राम मटर है उबली हुई, 250 ग्राम आलू है, ये हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिए। 3 टमाटर हैं, ये भी हमने ऐसे टुकड़ों में काट लिए। 2 प्याज हैं स्लाइस हुई हुई, ये हरा धनिया है, ये भी इसमें ही जाएगा। 2 बड़े चम्मच तेल है, सरसों का, नमक है टेस्ट के हिसाब से, हल्दी है आधा छोटा चम्मच, दो दो टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, 1/4 चम्मच गरम मसाला है, 2 टीस्पून ये गोला है घिसा हुआ, सूखा गोला है घिसा हुआ, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है, 1.5 चम्मच खसखस का पेस्ट है, ये वाले चम्मच से नापा है हमने, आधा चम्मच जीरा है सफेद, ये अब सब चढ़ाते हैं। इसमें तेल डाल दिया और ये गरम होने लगा, इसमें जीरा डालेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें जीरा डालेंगे हम। प्याज भी डालेंगे। प्याज को बिल्कुल नरम करना है, गुलाबी हो जाए। नरम करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। प्याज हमारी हो गई है नरम बिल्कुल, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, भूनेंगे। भूनेंगे इसे, इसका कच्चापन चला जाए। तो 2 मिनट हो गए भूनते हुए, टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के इसे 5-6 मिनट पकाएंगे, थोड़े नरम हो जाए। मसाले डालेंगे, ढक के पकाएंगे इसे हल्की आंच पे। हमारे थोड़े से नरम हो गए टमाटर, थोड़े से और करना, काम करना है इनको। 5-6 मिनट हो गए पकते हुए, गर्म हो गए टमाटर बिल्कुल, मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, बहुत हल्की होती है, ये तेज नहीं होती है बिल्कुल। इसे
मिक्स करेंगे। नमक भी डाल देंगे इसी में। गोला भी इसी में ही डालेंगे। आलू डालेंगे इसमें। इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के ये वाले हल्के से गलाएंगे। आधा गिलास और डालेंगे। आलू थोड़े से गलाएंगे। ये आलू हमने गलने रखे थे 5-6 मिनट हो गए, और ये थोड़े रह गए कच्चे, गोभी के साथ गलेंगे। इसमें गोभी डालेंगे। पहले सब मसाला डालते हैं। ये खसखस पाउडर डालेंगे। गरम मसाला, जीरा पाउडर, एक से 1.5 मिनट भूनते हैं, फिर गोभी डालेंगे इसमें। नीचे लगना नहीं चाहिए, देखो बिल्कुल लगा नहीं है हमारा। गोभी डालेंगे। गोभी डाल दी हमने, मिक्स करेंगे इसे। गोभी मिक्स कर दिया, हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट ऐसे छोड़ेंगे। धीमी आंच पे ऐसे ढक के गलाएंगे हम इसे भाप में। भुनने लगा है, इसमें तेल छोड़ दिया हमने। इसमें जीरा, गरम मसाला और मटर डाल के पकने रख दिया था 5-6 मिनट। हमारी गलती से थोड़ी वीडियो कट गई थी, इसलिए हमने बता दिया। गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, जीरा आधा छोटा चम्मच, और मटर 250 ग्राम थी हमारी, उबली हुई मटर थी, वो डाल के 5 मिनट हमने
पकने रख दिया था, अब इसका पानी खुशक करा है हमने, और कुछ नहीं डाला है इसमें। हरा धनिया भी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा उपास से डालेंगे। उसके करीब ये क्रीम डालेंगे हम इसमें, मिक्स करके और चूल्हा बंद कर देंगे। मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। दो मिनट ढक के ऐसे छोड़ देते हैं इसे। दिखाते हैं, हो गया हमारा रोगन भी आ गया। ये देख जाओ गोभी आ गया था ना, दो फूल।